शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं एक्सपर्ट के सुझाए ऐसे स्टॉक्स जो करवा सकते हैं आपकी जबरदस्त कमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी के प्राइमरी ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव बने हुए हैं क्योंकि ये अपने 20, 50, 100 और 200 डे ईएमए के ऊपर बना हुआ है। ये डेली चार्ट पर बुलिश हायर टॉप हायर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता आ रहा है। वीकली चार्ट पर मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई और एमएफआई करंट बुलिश ट्रेंड में मजबूती का संकेत दे रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में इसमें अप ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर बना हुआ है। ये ट्रेंड लाइन 18,450 पर सपोर्ट ऑफर करती है जो डेली चार्ट पर 18,458 के पिछले स्विंग हाई से मिलती है। इसके अलावा 11 डे ईएमए 18,477 पर है। डेरिवेटिव साइट पर हमने 18,400 से 18,500 पर अग्रेसिव पुट राइटिंग देखी है, इसलिए गिरावट की स्थिति में इन लेवल्स को निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट माना जा सकता है। तेजी की स्थिति में 18,662 का स्विंग हाई निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। 18,662 को पार करने के बाद निफ्टी 18,888 के अगले रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ सकता है और इससे आगे जा सकता है। ट्रेडर्स को क्लोजिंग बेसिस पर लॉन्ग बने रहने की सलाह है, उन्हें 18,400 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अब जानते हैं टेक्निकल एनालिस्ट नंद शाह के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो आपकी शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार से शानदार कमाई करवा सकते हैं। पहला स्टॉक है नोवोको विस्तास कॉर्पोरेशन। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 385 से 402 रुपए है। इसमें 340 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। डेली चार्ट पर इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। इसके प्राइमरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव हो गए हैं क्योंकि ये 200 डे ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई और एमएफआई स्लोपिंग अपवर्ड है और ये डेली चार्ट पर 60 से ऊपर स्थित है। इससे करंट अप ट्रेंड में मजबूती का संकेत मिलता है। नंदेश शाह का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है ओरिएंट सीमेंट। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 152 से 160 रुपए है। इसमें स्टॉप लॉस 130 रुपए पर लगाना होगा। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 14% तक कमाई की जा सकती है। वीकली चार्ट पर इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। एक सेक्टर के रूप में सीमेंट डेली चार्ट पर मजबूत दिख रहा है। प्लस डीआई यानी डायरेक्शनल इंडिकेटर माइनस डीआई के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि एडीएक्स लाइन 25 के ऊपर है, जो संकेत देता है कि शेयर का प्राइस आने वाले दिनों में रफ्तार पकड़ सकता है। और थर्ड स्टॉक है नेल्को का। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 675 से 710 रुपए है। इसमें 598 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 12% तक मुनाफा कमाया जा सकता है। डेली चार्ट पर इस शेयर ने हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। ये 28 अप्रैल के बाद हायर लेवल पर बंद हुआ है। इसने डेली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल से भी ब्रेकआउट किया है। मोमेंटम ऑसिलेटर आरएसआई और एमएफआई स्लोपिंग अप ट्रेंड है और ये डेली चार्ट पर 60 से ऊपर है। इससे करंट अप ट्रेंड में मजबूती का संकेत मिलता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना है तो आइए जानते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के प्रवेश गौर की ऐसे पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जो आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी 50 अच्छी तेजी के बाद 18,450 से 18,650 की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये 18,450 के नीचे गिर जाता है तो हम मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में 18,181 अगला सपोर्ट लेवल होगा, जबकि निफ्टी के 18,650 के ऊपर ट्रेड करने पर यह 18,888 की तरफ बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी में भी इसके 20 डीएमए के ऊपर कंसोलिडेशन दिख रहा है जो 43,900 पर है। तेजी की स्थिति में 44,500 अगला रेजिस्टेंस होगा। इसे पार करने के बाद ये 45,000 की तरफ बढ़ सकता है। गिरावट की सिचुएशन में अगर ये अपने 20 डीएमए से नीचे फिसल जाता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर सकते हैं। तब 43,000 अगला सपोर्ट लेवल होगा। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौर के उन पसंदीदा पिक्स के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है।
इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 724 रुपए है, इसमें 600 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्ते में 12% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने लंबे कंसोलिडेशन पीरियड को ब्रेक किया है। आमतौर पर कंसोलिडेशन तब होता है जब किसी एसेट का प्राइस सीमित दायरे में होता है। ये डायरेक्शनल मूवमेंट की कमी का संकेत है। ये कंसोलिडेशन इस स्टॉक में मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव का संकेत देता है। इस स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है। वीकली चार्ट पर इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। RSI की पोजीशन पॉजिटिव है। MACD करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है। अगला स्टॉक है उषा मार्टिन का। इस शेयर का टारगेट प्राइस 285 रुपए है, इसमें 230 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें 3 से 4 हफ्तों में 14% कमाई हो सकती है। ये शेयर क्लासिकल अप ट्रेंड में है। लंबे टाइम फ्रेम पर इसने कई साल का ब्रेकआउट दिखाया है। डेली चार्ट पर भी इसने अप ट्रेंड चैनल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिखाया है। ऊपर की स्थिति में 260 रुपए अगला रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने पर यह शेयर 280 रुपए के लेवल को पार करने की कोशिश कर सकता है। वहीं गिरावट की स्थिति में 230 का पिछला ब्रेकआउट लेवल अगला सपोर्ट लेवल है। मोमेंटम इंडिकेटर्स ट्रेंड के करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रवेश गौड़ का तीसरा पसंदीदा स्टॉक है मिश्रा धातु निगम। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 280 रुपए है, इसमें 213 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में 16% तक मुनाफा कमाने की संभावना दिख रही है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया है। इसने 213 रुपए के अपने पिछले ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। ये नई तेजी में 280 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर MACD में करंट स्ट्रेंथ बना हुआ है। RSI की पोजिशनिंग भी फेवरेबल है। 260 रुपए इसका अगला रेजिस्टेंस एरिया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे 10 शेयर्स, ऐसे 10 स्टॉक्स जो 3 से 4 हफ्तों में दे सकते हैं आपको तगड़ा मुनाफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। बाजार जानकारों का कहना है कि इस हफ्ते निफ्टी के लिए 18,650 से 18,700 पर रेजिस्टेंस की उम्मीद है। अगर निफ्टी निर्णायक रूप से इस जोन को पार करता है तो 18,800 से 19,000 के स्तर से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत आसान भी नहीं होगा। जानकारों का ये भी कहना है कि निफ्टी के लिए 18,400 से 18,200 पर सपोर्ट है। एंजल ब्रोकिंग में हेड रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव समीत चव्हाण का कहना है कि आगे अगर ग्लोबल मार्केट में स्थितियां अनुकूल रहती हैं तो हम पिछले हफ्ते की तेजी को एक पुलबैक के रूप में मान सकते हैं और यहां से हम निफ्टी में इस हफ्ते नई तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 18,407, 18,400 और 18,330 के क्लस्टर सपोर्ट को बनाए रखता है तब तक बाजार में तेजी जारी रहेगी। वहीं ऊपर की तरफ 18,600 से 18,670 पर रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो फिर ये जल्द ही एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई को चैलेंज देता देख सकता है। समीर चव्हाण ने आगे कहा कि बॉर्डर मार्केट में हाल में आई तेजी से निफ्टी में जल्द ही ऑल टाइम हाई की संभावना बढ़ गई है। मिड और स्मॉल कैप बास्केट पिछले पूरे हफ्ते जोश में रहे, ये बाजार में बेहतर सेंटिमेंट का संकेत है। वहीं बोनांजा पोर्टफोलियो के रिसर्च एनालिस्ट नितेश कारवा ने कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा हफ्ते में निफ्टी 50 इंडेक्स कैसा रिएक्ट करता है। मौजूदा हफ्ता काफी अहम है, ये अगले चरण के लिए रुझान तय करेगा। कॉल साइड पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 18,600 और पुट साइड पर 18,500 पर है। ये बाजार में साइडवेज मोमेंटम का संकेत है। मितेश कारवा ने आगे कहा कि अगर दूसरे इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो मोमेंटम इंडिकेटर RSI 14.63 की रीडिंग दिखा रहा है और निफ्टी 17,714 पर स्थित अपने 200 EMA से ऊपर कारोबार कर रहा है। ये भी बाजार में मजबूती का संकेत है। आइए अब नजर डालते हैं ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में जो आपकी 3 से 4 हफ्तों में जोरदार कमाई करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी की पसंदीदा पिक्स के बारे में। पहला स्टॉक है HLPL ग्लासकोट। इसमें 595 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 695 से 750 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 18% का रिटर्न मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में 450 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 530 से 575 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 19% रिटर्न मिल सकता है। श्रीकांत चौहान की पहली पसंदीदा पिक है एम्फेसिस। एम्फेसिस में 1900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2175 से 2400 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 19% का रिटर्न मिल सकता है।
अगला स्टॉक है HEG का, तो HEG में 1110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1500 से 1700 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 30% का रिटर्न मिल सकता है। श्रीकांत चौहान का तीसरा पसंदीदा स्टॉक है JSW स्टील। इस स्टॉक में 680 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 790 से 850 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 20% का रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर बात करें 5paisa.com के रुचित जैन की पसंदीदा पिक्स के बारे में, तो पहले स्टॉक के तौर पर इन्होंने चुना है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस को। इस स्टॉक में 4790 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5140 से 5250 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 6% का रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज। सन फार्मा में 967 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1034 से 1054 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 5.4% का रिटर्न मिल सकता है। बात करें अगर बोनांजा पोर्टफोलियो के मितेश कारवा के पिक्स के बारे में, तो पहले स्टॉक के तौर पर इन्होंने चुना है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी को। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी में 720 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 840 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 10% का रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है रेडिको खेतान। रेडिको खेतान में 1145 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में 3 से 4 हफ्तों में 8.5% का रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टॉक है टालगोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। इस स्टॉक में 545 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 670 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 13% का रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप समय से हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। 2 से 3 हफ्तों में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना है, तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए इन स्टॉक्स के बारे में जो आपको तगड़ा मुनाफा करवा सकते हैं। निफ्टी बीते हफ्ते हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसकी क्लोजिंग 18,500 के मनोवैज्ञानिक स्तर से थोड़ा ऊपर हुई। पिछले हफ्ते सोमवार का मार्केट जिस तरह से ओपन हुआ था, उससे ये उम्मीद थी कि निफ्टी 18,700 के पार जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हफ्ते के दौरान मेन इंडेक्सेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उससे थोड़ी निराशा हुई। तकनीकी रूप से अपसाइड गैप भर गया है। निफ्टी ने हफ्ते के दौरान ब्रेकआउट पॉइंट्स को 2 बार रिटेस्ट किया है। इसके अलावा शुक्रवार 2 जून को प्राइस एक्शन के चलते इनसाइड बार कैंडल डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर स्पष्ट नजर आ रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मिलता है, तो हम पिछले हफ्ते के प्राइस डेवलपमेंट को पुल बैक के रूप में देख सकते हैं। यहां से निफ्टी को अपनी अपवर्ड जर्नी फिर से शुरू करते देख सकते हैं। ये नजरिया सिर्फ तब तक के लिए है जब तक क्लोजिंग बेसिस पर अगले 2 सेशन में ये 18,460, 18,400 और 18,300 के सपोर्ट क्लस्टर से नीचे नहीं जाता है। तेजी की सिचुएशन में करीब 18,600 से 18,670 पर बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके पार कर जाने के बाद निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल को जल्द चैलेंज करने की कोशिश करेगा। छोटे बड़े हर तरह के शेयरों में तेजी को देखते हुए इसकी संभावना दिखती है। पिछले पूरे हफ्ते मिड और स्मॉल कैप बास्केट एक्टिव रहे, इससे मार्केट में सेंटीमेंट के सुधार का संकेत मिलता है। इसलिए ट्रेडर्स को सलाह है कि छोटी गिरावट की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर मार्केट अप ट्रेंड में है, इसलिए व्यापक तस्वीर पर फोकस करना ठीक रहेगा। आइए अब बात करते हैं एंजल वन के रिसर्च हेड समीर चौहान के पसंदीदा 2 स्टॉक्स के बारे में जो आपकी 2 से 3 हफ्ते में शानदार कमाई करवा सकते हैं। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 68 रुपए है। इसमें 57.8 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 11% कमाई का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने पिछले 2 सेशन में स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है, जिसमें वॉल्यूम भी ज्यादा रहा है। प्राइस वॉल्यूम में जो एक्शन दिखा है, उससे चार्ट स्ट्रक्चर में पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर आता है। इस स्टॉक ने 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। मोमेंटम ऑसिलेटर के मोर्चे पर RSI में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा है, इससे अगले फेज की तेजी के लिए सपोर्ट मिलेगा। दूसरे स्टॉक के तौर पर समीर चौहान ने चुना है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस को। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 5,250 रुपए है। इसमें 4,820 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगले 2 से 3 हफ्तों में इस शेयर में 6% रिटर्न मिल सकता है। हाल में हेल्थ केयर के सभी कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिली है, इनमें रौनक लौट रही है। फार्मा कंपनियों के साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयरों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। शुक्रवार यानी 2 जून को डेली चार्ट पर 15 महीने लंबे असेंडिंग ट्रायंगल पर बड़ा ब्रेकआउट देखा है। अगर वॉल्यूम एक्टिविटी को देखें, तो पिछले कुछ समय से ये लगातार बढ़ रही है। इस शेयर में तेजी की पूरी संभावना नजर आ रही है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।